लेकर केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल को 1000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, देश के लोग पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के लोगों के आपदा के समय खड़े हैं साथ। झारखंड पुलिस ने दिया आदेश, लॉकडाउन तोड़ने वाले के खिलाफ कड़े सख्त कार्रवाई। राज्य के पूर्व सीएम मधु कोड़ा को नहीं मिली राहत, दिल्ली की एक अदालत ने जमानत दिए जाने से किया इनकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, झारखंड में कोरोना महामारी की रिकवरी 90% से ऊपर, मृत्यु दर है कम। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने WHO के कार्यकारी अध्यक्ष का कार्यभार संभाला। 25 मई से विमान सेवा शुरू, रांची से 8 से अधिक विमान भरेंगे उड़ान। दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, भुवनेश्वर, पटना, मुंबई, रायपुर के लिए हो रही है फ्लाइट। कोरोना संकट के दौरान झारखंड के निजी पैथ लैब ने बढ़ाई जांच की दर, लोगों से वसूले जा रहे हैं अधिक कीमतें। पूर्व मध्य रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कई स्टेशनों पर PRS काउंटर की शुरुआत की। झारखंड के प्रवासी मजदूरों को वापस लाने के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी APC ने कहा, अब तक 3,15,000 की सकुशल वापसी हुई। झारखंड के निजी स्कूलों ने 11वीं कक्षा के लिए ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया पूरी की, 40,000 रुपए से लेकर 75,000 रुपए तक लिए गए। राजधानी रांची में मिठाई दुकानों से भी होम डिलीवरी हुई चालू, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का निर्देश। झारखंड में कोरोना संकट के दौरान संक्रमितों की संख्या बढ़कर 330 तक पहुंची, प्रत्येक दिन बढ़ रहे हैं मरीज। सरकार की तरफ से ईद के पहले ही राज्य के कर्मियों को वेतन देने का दिया गया निर्देश। झारखंड में शराब की दुकानों के खुलने के बाद भी प्रतिदिन नहीं पूरा हो पा रहा है टारगेट। हम कोयला वाले घरों को रोशन तो करते ही, बच्चों का भविष्य भी संवारते हैं। कोई अंदर रहता है। स्टे होम, स्टे सेफ, एशियन पेंट्स।